आज का जो वीडियो है वो INS विक्रांत के बारे में, जिसे पीएम मोदी अपनी ही हाथों से इसे उद्घाटन किए, बहुत ही गर्व की बात है हम सभी इंडियन को। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि इसकी कितनी पावर है, क्या क्या क्षमता है, इनकी खूबियां क्या है और कितनी वजन का है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो को शुरू करते और आपको बताते हैं, तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो INS विक्रांत जो है उसके उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय नेवी के लिए आज का दिन जो है बहुत ही गर्व का और ऐतिहासिक दिन है। भारतीय सेना का ये जो दिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन माना जाएगा। देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAS विक्रांत आज कमीशन हो गया होगा। IAS विक्रांत नाम है इसका। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया हुआ है। भारतीय नौसेना को आज ये सौंप दिए और कहे कि आप अब इसकी जिम्मेदारी लिए। IAS विक्रांत के आने से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया कि बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की सैन्य शक्ति है। जिनके पास खुद एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन करने और बनाने की क्षमता है वो बहुत ही कम चुनिंदा देश है। तो चलिए, विक्रांत का वजन जो है 40,000 टन है। इस पर 30 फाइटर जेट्स तैनात किए जा सकते हैं। 30 फाइटर जेट्स और 40,000 वजन है। MiG-29 के Kamov-31 और MH-60R जैसे इस पर उतारे जा सकते हैं। इस स्वदेशी उत्पोत की लंबाई 262 मीटर है। 262 मीटर इसकी लंबाई है और आगे हम आपको बता दें कि इसकी चौड़ाई 62 मीटर और चौड़ाई ऊंचाई जो है ऊंचाई वो 59 मीटर है। ऊंचाई 59 मीटर है। ठीक है, अगला हम आपको बता दें कि IAS विक्रांत के निर्माण साल 2009 में ही शुरू हुआ था और 2009 से लेकर के अभी तक आप जोड़ सकते हैं कितनी साल हो गया है। अब तक इसे बनाने में करीबन 20,000 करोड़ रुपये लग चुके हैं। 20,000 करोड़ रुपये लग चुके हैं। अभी हम आपको बता दें कि IAS विक्रांत के बारे में जो नरेंद्र मोदी कुछ बातें शेयर किए वो वीडियो आप यहां पर देख सकते हैं और ये बहुत ही गर्व की बात है हम सभी के पास, हम ही सभी को लेकर। तो आज जो आपने जाना कि IAS विक्रांत के बारे में, तिरंगे और अशोक चिन्ह को जो शामिल किया गया, पहले का जो लोगो था उसको भी चिन्ह को चेंज कर दिया गया। ये सेंट जॉर्ज कॉर्स का था जो अंग्रेजों के झंडे यूनियन जैक का हिस्सा था। कांग्रेस के सरकार में इसे हटा दिया गया था, फिर इसको अपना लिया गया था, लेकिन इस बदलाव को पीएम मोदी ने महाराज शिवाजी को समर्पित किया और इसका साइन ही चेंज कर दिया, जो उस पर साइन था अंग्रेजों का। झंडे के नीचे लिखा था कि स न वरुण, यानी वरुण हमारे लिए शुभ होता है और ये पानी का देवता होता है। ठीक है, INS विक्रांत भारत के सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। 31 जनवरी 1997 को नेवी से INS विक्रांत को रिटायर कर दिया गया था, उसके बाद से हमारे पास नहीं थी। 2009 से शुरू किया गया, 25 साल बाद एक फिर INS विक्रांत का पुनर्जन्म हुआ है। 25 साल बाद 1997 से लेकर के अभी 25 साल हो गया। 1971 की जंग में INS विक्रांत ने अपने सिंहाक लड़ाकू से विमानों के साथ साथ अपना सैन्य शक्ति दिखाया था और बांग्लादेश के चिटगांव, कॉक्स बाजार और खुलना में भी अपना यह योगदान दिया था। आपको बता दें कि दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया था उस समय 1997 में खत्म हुआ था तब। तो इस तरह की जानकारी आप इस वीडियो से देखे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप भी नीचे कॉमेंट में जय हिंद जय भारत लिखेंगे अगर सच्चा हिंदुस्तानी है तो।